न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को मंगलवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। बता दें कि विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 15 दिसंबर को इन नियुक्तियों की घोषणा की थी। एक बार उनके शपथ ले लेने पर सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित स्वीकृति पदों की संख्या 34 हो जाएगी। उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को 46 साल के बाद खोला गया। 12वीं सदी के इस मंदिर का रत्न भंडार 40 सालों से किसी ने नहीं खोला था। अभी रत्न भंडार के एक हिस्से को खोला गया है, वहीं दूसरा हिस्सा अगले हफ्ते खोला जाएगा। रत्न भंडार खोलने के बाद इसमें मौजूद वस्तुओं को लाल और पीले रंग के बक्सों में भर कर ले जाया गया है। वहीं बक्सों के भीतर रत्न भंडार का रहस्य भी बंद है। उत्तराखंड के केदारनाथ की तर्ज पर दिल्ली में बन रहे मंदिर को लेकर अयोध्या राम मंदिर के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि किसी और नाम से मंदिर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि केदारनाथ एक ही है और एक ही रहेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर आदिशक्ति है और भक्तों को जो फल वहाँ मिलता है वह नहीं मिल पाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम अपने अगले अभियान में श्रीलंका का दौरा करने वाली है, जहां उसे 3 T20 और वनडे मुकाबले खेलने हैं। बता दें कि यह मैच 27 जुलाई से शुरू होकर 7 अगस्त तक खेला जाएगा। इस दौर से गौतम गंभीर के मुख्य कोच के रूप में भारतीय टीम के साथ कार्यकाल शुरू हो जाएगा। साथ ही हार्दिक पांड्या को T20 के स्थायी रूप से कप्तानी मिल सकती है। क्या मध्य प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया? क्या उनकी वेतन वृद्धि नहीं होगी? दरअसल सरकार ने उस कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 1 साल के और बढ़ा दिया है, जिससे वेतन विसंगतियों की रिपोर्ट तैयार की है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार मनचाही रिपोर्ट तैयार करना चाहती है। मध्य प्रदेश के विधानसभा में आधी अधूरी जानकारी भेजने को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग सख्त हुआ है। विभाग के PS ने अधिकारियों से 30 जुलाई तक पूरी जानकारी देने को कहा है। इसमें फेल होने पर वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी भोपाल और इंदौर में मंगलवार को जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक कई दिनों तक यहां लगातार रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही बादलों की आवाजाही भी लगी रहेगी। मध्य प्रदेश में 18 जुलाई को राजस्व मामले के निराकरण के लिए महाअभियान चलाया जाएगा। अभियान के लिए कमिश्नर और कलेक्टर अपना दौरा कार्यक्रम बनाएंगे। CM मोहन यादव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नर और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में पटवारी अब बस्तों की जगह डिजिटल डायरी लेंगे। पटवारियों का सारा काम अब डिजिटल डायरी के जरिए होगा। लैंड रिकॉर्ड भी ऑनलाइन हो गया है। डिजिटल डायरी में हर काम के लिए समय सीमा होनी निश्चित है। तहसीलदार से लेकर SDM और राजस्व अधिकारी ऑनलाइन पटवारी के काम की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की है, जिसमें बताया गया कि चुनाव में नियमों का पालन नहीं हुआ है। बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन कमीशन पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का फोन हैक हो गया है। इस मामले की शिकायत करने के लिए मंगलवार को कांग्रेस कमेटी के सदस्य साइबर सेल कार्यालय पहुंचे और फोन हैकिंग पर जांच की मांग की है। कांग्रेसी नेताओं को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर सेल से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। रतलाम के चैतन्य टेक्नो स्कूल पर 2 लाख का जुर्माना लगा है। जिला प्रशासन ने यहाँ से बड़ी संख्या में कॉपी किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म जब्त किए थे। इसके बाद कलेक्टर राजेश बाथम ने स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर ने शासन को स्कूल की मान्यता निरस्त करने के लिए पत्र लिखा है। अब यहां से जब्त कॉपी किताबें और यूनिफॉर्म बच्चों को 1/3 कीमत पर बेचा जाएगा। MP सरकार का कैंपेन है स्कूल चले हम, लेकिन बच्चे कह रहे हैं स्कूल कैसे चले हम, क्योंकि स्कूलों की बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि कब कौन सा हादसा हो जाए कहां नहीं जा सकता। खरगोन जिले के सरकारी स्कूलों की हालात यह है कि बारिश होते ही बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 27 जुलाई से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज में भारत की कप्तानी करेंगे। भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत के हीरो में से एक पांड्या ने व्यक्तिगत कारणों से अगस्त में होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से ब्रेक लेने का फैसला किया है। वेस्ट इंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ने टीम के पूर्व साथी गार्ल हूपर को लेकर बड़ा बयान दिया है। लारा का कहना है कि वह या सचिन तेंदुलकर भी कूपर की प्रतिभा के करीब नहीं पहुंच सके हैं। सचिन और लारा की गिनती क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में होती है। सचिन के नाम वनडे और टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है, जबकि लारा ने टेस्ट और प्रथम श्रेणी में सर्वाधिक निजी स्कोर बनाया है।